हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आज इस वीडियो से आप लोगों का इंटरपोल के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है एंड दिस इज माय बिलीफ। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली दे पाएंगे। नाउ लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। अगर इंटरपोल का पोलरिटी रिवर्स किया जाए तब क्या प्रॉब्लम होगा? अगर डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इंटरपोल का पोलरिटी सामने वाला पोल का पोलरिटी से सेम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटरपोल का पोलरिटी रिवर्स हो जाता है। एस पोल के जगह एन पोल आता है और एन पोल के जगह एस पोल। तो ये क्वेश्चन सुनने के बाद आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है? आर्मेचर कॉयल्स, कार्बन ब्रास और फील्ड कॉयल्स या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डीसी जनरेटर नॉर्मली रन कर सकता है। वीडियो पॉज करके फ्यू सेकेंड्स के लिए सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर विदाउट इंटरपोल समझना पड़ेगा। मेन फील्ड का जो एमएमएफ है इस डायरेक्शन में काम करता है। आर्मेचर का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री पे एक्ट करता है। तो ये आ गया हम लोग का रिजल्टेंट एमएमएफ। अब यहाँ पे डीसी जनरेटर या मोटर का एक की कॉन्सेप्ट आता है एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जो हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स जो है उससे 90 डिग्री एंगल पे रहता है एंड अलोंग एमएनए कार्बन ब्रास को प्लेस करना चाहिए सो दैट स्लिप रिंग और कार्बन ब्रास के बीच में स्पार्किंग ना हो। एक्चुअली कार्बन ब्रास का पोजीशनिंग ऐसा होने से स्लिप रिंग और कार्बन ब्रास के बीच में स्पार्किंग नहीं होगा। अब आते हैं जब आर्मेचर करंट बढ़ जाता है तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं जो आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो भी बढ़ जाता है तो एमएनए और भी ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो अब तक हम लोग जो डिस्कस किए उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जैसे जैसे डीसी जनरेटर का लोड करंट बढ़ता है उतना ज़्यादा ब्रास शिफ्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट केस में हम लोग देखें इतना ब्रास शिफ्टिंग से काम हो जाएगा, लेकिन सेकेंड केस में जैसे आर्मेचर करंट बढ़ गया ब्रास शिफ्टिंग का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंटरपोल्स आर यूज्ड। इंटरपोल्स का पोलरिटी रिवर्स होने पे क्या प्रॉब्लम होगा वो समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर विथ इंटरपोल ऑफ नॉर्मल पोलरिटी, जिसका मतलब इस पोल का पोलरिटी और इस पोल का पोलरिटी सेम होगा। एक्चुअली इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है, इसलिए एफए और एफआई ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन दोनों 180 डिग्री पे एक्ट करने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो रिजल्टेंट एमएनए आता है वो जीएनए के साथ कोइंसाइड कर जाता है, जिसके कारण ब्रास शिफ्टिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब देखते हैं जब आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा उस केस में क्या होता है। उस केस में भी हम लोग देख सकते हैं ये एफए और एफआई दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि आर्मेचर और इंटरपोल दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने के कारण कैंसिल आउट हो जाता है। और तो इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम ही हैं, जिसके कारण ब्रास शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये दो टर्म थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ स्टूडेंट का कॉन्सेप्शन ये दो टर्म के ऊपर क्लियर नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही आसान है जो आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। पहले जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को समझिए। ये जो मेन फील्ड पोल्स है उसका जो एक्सिस है उसके साथ जो 90 डिग्री एंगल पे एक्सिस बनेगा उसको हम लोग जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। अब आते हैं एमएनए के कॉन्सेप्शन पे। जो रिजल्टेंट एमएमएफ का डायरेक्शन होगा उसके साथ 90 डिग्री एंगल में जो एक्सिस बनेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। सो आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर। अभी तक का डिस्कशन में आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इंटरपोल यूज़ करते हैं तो ब्रास शिफ्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है इवन व्हेन आर्मेचर करंट इज चेंजिंग। अब चलते हैं जब इंटरपोल का पोलरिटी चेंज हो जाता है तब क्या होता है देखते हैं। तब एक्चुअली जीएनए और एमएनए कोइंसाइड नहीं करता है, इसीलिए सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। व्हेन पोलरिटी ऑफ इंटरपोल्स हैव बीन रिवर्स्ड, एक्चुअल पोलरिटी यहाँ पे एस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे एस है। अब तक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया हूँ उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर अब आप निकाल सकते हैं। जस्ट आपको एमएमएफ डायग्राम का यूज़ करना है। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरपोल का पोलरिटी रिवर्स हो जाने के कारण इंटरपोल का एमएमएफ आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ के साथ सेम डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए एमएनए जीएनए से शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ब्रास का जो पोजिशनिंग होता है वो जस्ट इंटरपोल के एक्सिस में होता है, यानी कि जीएनए जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में होता है। और एमएनए शिफ्ट कर जाने के कारण कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग के बीच में स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है, जिससे बोथ कार्बन ब्रश एंड स्लिप रिंग डैमेज हो सकता है। अब जब डीसी जनरेटर पे लोड बढ़ता है और आर्मेचर करंट बढ़ जाता है तब क्या होता है? तब यहाँ पे देखिए एमएनए और भी ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। पहले जब आर्मेचर करंट कम था तब एमएनए यहाँ पे था, अब आर्मेचर करंट बढ़ने के बाद एमएनए यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। कार्बन ब्रश का पोजीशनिंग एमएनए से दूर होने के कारण कार्बन ब्रश में और ज़्यादा स्पार्क शुरू हो जाता है, जिससे बोथ कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग डैमेज हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एज ए फाइनल कंक्लूजन वी कैन से जितना ज़्यादा जनरेटर पे लोड बढ़ेगा उतना आर्मेचर करंट बढ़ेगा, उतना एमएनए शिफ्ट हो जाएगा, जितना ज़्यादा एमएनए शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा कार्बन ब्रश में स्पार्किंग होगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है सोचे थे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।